हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इजी एक्वा 24 में। मेरा नाम सागर है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग फिश के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिश दोस्तों इतने अट्रैक्टिव है कि जो कोई भी इसे पहली बार देखता है वो इसे अपने एक्वेरियम में रखना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे अपने एक्वेरियम में रखना तो चाहते हैं, लेकिन इस फिश को कैसे केयर करना है, इसे कैसे बड़ा करना है और कम्युनिटी एक्वेरियम में इसे कैसे सेट करना है, इसके बारे में कम जानकारी होने के कारण लोग इसे लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, घबराइए मत। इस फिश को कैसे केयर करना है, कैसे इस फिश को जल्दी बड़ा करना है और इसे कम्युनिटी एक्वेरियम में कैसे रखना है, इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी डिटेल में देने के लिए इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। इन पॉइंट्स को आप पूरा देखिए ताकि आप इस फिश को आसानी से घर पर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये फिश नेचर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ये एक साउथ अमेरिकन फिश है। ये फिश दोस्तों साउथ अमेरिका में वेनेजुएला रिवर और अमेजन रिवर में पाई जाती है। दोस्तों, आगे जानेंगे इनके टाइप्स के बारे में। वैसे तो नाइफ फिश की बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन आज हम सिर्फ ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के दो टाइप्स है, एक तो ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश और दूसरा है अल्बिनो ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश। ये मार्केट में बहुत ही रेयर अवेलेबल है, आप इसे कभी कभार ही देख सकते हैं। दोस्तों, इसे पैंडा ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश भी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे दो टाइप्स के ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, आगे जानेंगे ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के साइज और लाइफ स्पैन के बारे में। दोस्तों, ये फिश नेचर में 20 इंच तक बड़ी हो सकती है। अगर आप इसे घर पर भी अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो होम एक्वेरियम में दोस्तों ये फिश 18 इंच तक बड़ी हो सकती है। दोस्तों, आगे जानेंगे एक्वेरियम को कैसे सेटअप करना है। इस फिश को रखने के लिए एक्वेरियम का साइज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस फिश को रखने के लिए आप जितना बड़ा एक्वेरियम रखेंगे उतना बेहतर है। दोस्तों, लेंथ में ये फिश बहुत ही बड़ी हो जाती है, 20 इंच तक बढ़ सकती है। आप इसे छोटे एक्वेरियम में यानी 2 फीट के एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका साइज दोस्तों उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि ये बढ़ सकती है। दोस्तों, इस फिश को रखने के लिए एक्वेरियम का हाइट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्वेरियम का लेंथ और विड्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस फिश को रखने के लिए कुछ बेसिक एक्सेसरीज आपको खरीदनी बहुत जरूरी है, जैसे कि एक्वेरियम एयर पंप है जिससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, वो खरीदना बहुत जरूरी है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग एक्सेसरीज आपको लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे जानेंगे इस फिश को रखने के लिए वाटर पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। दोस्तों, वाटर का पीएच लेवल जो है वो 6-8 के बीच में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीएच लेवल को मॉनिटर करने के लिए आप टीडीएस मीटर या पीएच टेस्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों भी चीजें आप मार्केट में खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानेंगे इस फिश को रखने के लिए वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दोस्तों, इस फिश को रखने के लिए वाटर टेम्परेचर जो है वो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 23 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। दोस्तों, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वाटर टेम्परेचर को मॉनिटर करना है तो आप टीडीएस मीटर या थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों भी चीजें आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानेंगे वाटर मूवमेंट के बारे में। इस फिश को रखते वक्त वाटर मूवमेंट जो है वो मॉडरेट टू स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, आगे जानेंगे फिश मूवमेंट जोन के बारे में, मतलब ये फिश एक्वेरियम में कौन से जगह में मूवमेंट करती है। दोस्तों, एक्वेरियम में ये फिश ज्यादा करके बॉटम में ही मूवमेंट करती है। दोस्तों, आगे जानेंगे एक्वेरियम लाइट्स के बारे में। इस फिश को रखते वक्त एक्वेरियम लाइट जो है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आप कम से कम लाइट इस्तेमाल कीजिए, इस फिश को ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है। ये फिश ज्यादा करके अंधेरे में ही रहना पसंद करती है, तो आप कम से कम लाइट का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर आप ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये फिश डर जाती है और जल्दी बड़ी नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस फिश के लिए एक्वेरियम कवर, बैकग्राउंड और सबस्ट्रेट, ये तीनों चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, आगे जानेंगे फीडिंग के बारे में। इस फिश को आप क्या क्या खिला सकते हैं। दोस्तों, ये एक कार्निवरस फिश है। जब ये फिश छोटी होती है तब आप इसे ब्लडवर्म खिलाइए। दोस्तों, इस फिश को आप बहुत सारे टाइप की फीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लडवर्म खिला सकते हैं, ड्राई ब्लडवर्म खिला सकते हैं, श्रिम्प खिला सकते हैं। चिकन हार्ट और प्रॉन्स खिलाने से ये फिश का साइज दोस्तों बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्हें आप अलग अलग टाइप्स के फिश फूड भी खिला सकते हैं। दोस्तों, ये फिश रात के समय में ज्यादा एक्टिव रहती है, तो आप इसे रात के समय में फीडिंग कीजिए। दोस्तों, आप इसे दिन के समय में भी फीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात के समय में फीडिंग करेंगे तो ये फिश का साइज दोस्तों जल्दी ग्रो होने में मदद होती है। जब आप इसे फीडिंग करेंगे तब आपको बॉटम में फीडिंग करना है, क्योंकि ये फिश ज्यादा करके बॉटम में रहती है। क्योंकि दोस्तों, ये फिश का विजन जो है वो बहुत ही पुअर होता है, ये फिश अच्छी तरीके से देख नहीं पाती है। इन्हें आंखें तो होती है लेकिन वो बहुत ही कमजोर होती है। इसीलिए दोस्तों, ये फिश अपना एक ऑर्गन इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्वेरियम में जो खाना है या जो अदर फिशेस है उनको पहचानने में सहायता होती है। दोस्तों, आगे जानेंगे इस फिश को आप कौन सी दूसरी फिश के साथ में रख सकते हैं। दोस्तों, ये एक सेमी एग्रेसिव फिश है।
आपको इसे सेमी अग्रेसिव फिश के साथ में ही रखना चाहिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग तरह के सेमी अग्रेसिव फिश के साथ में इन्हें रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस फिश का साइज अदर सेमी अग्रेसिव फिश के साइज के हिसाब से बड़ा होना जरूरी है। अगर आप इन्हें सेम साइज के सेमी अग्रेसिव फिश के साथ में रखते हैं तो आपको हर वक्त इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों इन्हें बड़े बड़े साइज के मॉन्स्टर फिश के साथ में बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर फिशेज होते हैं ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। अगर इन्हें आप फीडिंग एक दिन भी कम देंगे तो ये फिश अग्रेसिव हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े फिशेस है ये इसे आराम से निगल सकते हैं। अगर आपको इन्हें मॉन्स्टर फिश के साथ में रखना ही है, अग्रेसिव फिश के साथ में रखना ही है, तो अग्रेसिव फिश का साइज दोस्तों इनके साइज के हिसाब से छोटा होना चाहिए। फिर दोस्तों इन्हें छोटे साइज के एक्वेरियम फिश के साथ में भी मत रखिए, क्योंकि ये फिश दोस्तों सेमी अग्रेसिव फिश है। ये फिश उनके ऊपर अटैक करके उनको खा सकती है। इन्हें दोस्तों गोल्ड फिश, एंजल फिश या बेटा फिश इनके साथ में भी मत रखिए, क्योंकि ये फिश दोस्तों इनके फिन्स को खा सकती है। फिर दोस्तों इन्हें सेम स्पीसीज के साथ में भी नहीं रखना है। अगर आप इन्हें अलग टाइप के सेम स्पीसीज के साथ में रखेंगे तो ये फिश दोस्तों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकती है। जब ये छोटे होते हैं अगर आप तभी से इन्हें सेम टाइप के फिश के साथ में रखेंगे तो ये दोस्तों आसानी से रह सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे इस फिश को केयर कैसे करना है। दोस्तों इस फिश को रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों ये। दोस्तों ये एक हाइडिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें रहकर ये फिश ज्यादा ही सिक्योर फील करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग टाइप्स के हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने मेरे एक्वेरियम में इस तरीके से पीयूसी पाइप का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये फिश इस पीयूसी पाइप में कैसे सिक्योर फील करती है। वैसे ही आप कोकोनट शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस फिश को खरीदते वक्त कम से कम आप 4 इंच साइज की फिश खरीदिए। फिर जब आप इसे घर पर लाएंगे तब आपको एक्वेरियम में जो पानी लेंगे वो 2 दिन पुराना लेना है। आपको ताजा नल का पानी या सिंटेक टैंक का पानी इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आप पानी को डीक्लोरिनेट करने के लिए डीक्लोरिनेट लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस फिश को रखने के लिए वाटर क्वालिटी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप स्पंज फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए या ग्रेवल फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों वाटर क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आप हफ्ते में एक बार पानी जरूर चेंज कीजिए। जैसे कि अगर आपने हाइडिंग स्पॉट में इस पीयूसी पाइप का इस्तेमाल किया है तो इस पीयूसी पाइप को आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्लीन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर ये फिश हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स में रह रही है और अगर आपने हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स क्लीन नहीं किए तो ये फिश दोस्तों फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बीमार हो सकती है। इसीलिए आपके एक्वेरियम में जो ग्रेवल है और जो हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है ये हमेशा क्लीन होने बहुत जरूरी है। प्लीज दोस्तों ऑक्सीजन पंप यानी एयर पंप और हीटर, इन दो चीजों को आपको हमेशा चालू रखना है, ऑन रखना है। इन्हें गलती से भी बंद नहीं करना है। दोस्तों आगे जानेंगे इनके डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ये फिश बहुत ही हार्डी फिश है, जल्दी से बीमार नहीं होती है। अगर कोई दूसरी फिश इनके ऊपर अटैक करती है तो ही ये फिश बीमार हो सकती है, या फिर अगर आपने एक्वेरियम का वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं रखा या फिर ग्रेवल क्लीन नहीं किया और हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आपने क्लीन नहीं किए तो ये फिश बीमार हो सकती है। दोस्तों अगर ये फिश बीमार हो जाती है तो आपको इसे अलग टैंक में क्वारंटीन करना चाहिए। दोस्तों जो क्वारंटीन टैंक है उसका जो वाटर टेम्परेचर है वो आपको रेज करना है। वाटर टेम्परेचर को रेज करने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल कीजिए। वो वाटर टेम्परेचर आप 30°C पे सेट कीजिए। फिर आप दोस्तों मेडिसिन यानी मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वेरियम में हाइडिंग स्पॉट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों ये एक स्केललेस फिश है, इसे स्केल्स नहीं होते, इसीलिए गलती से भी आपको सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, नमक का इस्तेमाल आपको गलती से भी नहीं करना है। लाइट्स पूरी तरीके से बंद रखिए और जब तक फिश ठीक नहीं हो जाती तब तक इसे खाना मत खिलाइए। तो मैंने बताए गए इन तरीकों को समझकर आप बीमार फिश को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अब जानेंगे इनके प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये फिश मार्केट में इजीली मिल जाती है और 4 इंच साइज का फिश आपको 200-250 रुपीज में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो ब्लैक गोश्त नाइफ फिश के बारे में। इस वीडियो को देखकर आप इस फिश को आसानी से घर पर रख सकते हैं। अगर आपको और किसी फिश के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।